सिवान के कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं अवध बिहारी चौधरी, और आप देख सकते हैं कि अवध बिहारी चौधरी अधिवक्ताओं से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आरजेडी के उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी, लालटेन छाप इनका चुनाव चिन्ह है जो कि ईवीएम के क्रमांक संख्या 1 पर मौजूद है, और अवध बिहारी चौधरी एक एक करके अधिवक्ताओं से मिल रहे हैं, उनसे अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे अवध बिहारी चौधरी का लोग स्वागत भी कर रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरों में आप साफ तौर पे यह देख सकते हैं, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं अवध बिहारी चौधरी की यह तस्वीर, देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर के और अवध बिहारी जी से मिल रहे हैं और उन्हें जीत का सांत्वना दे रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी जो कि सिवान से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और आप देख सकते हैं कोर्ट परिसर जो है कचहरी का, इस कचहरी परिसर में अवध बिहारी चौधरी का दौरा होगा हो रहा है। तो बिल्कुल ये तस्वीर अवध बिहारी चौधरी की, हाँ रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी एक एक अधिवक्ताओं से मिल रहे हैं, एक एक अधिवक्ता से मिल रहे हैं अवध बिहारी चौधरी। आप देख सकते हैं कचहरी परिसर की यह तस्वीर दिखा रहे हैं अवध बिहारी चौधरी की, सिवान के कोर्ट परिसर से अवध बिहारी चौधरी लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी अधिवक्ताओं से मिल रहे हैं, अधिवक्ताओं से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, नारे भी लग रहे हैं अब की बारी अवध बिहारी अवध बिहारी। और इनके साथ कांग्रेस के कमलेश सिंह उर्फ बच्चू मौजूद हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं लगातार ये तस्वीरें सिवान के कचहरी से अवध बिहारी चौधरी की, देखिए अधिवक्ता जो है बिल्कुल अवध बिहारी चौधरी के लिए बिल्कुल मिलने के लिए आतुर हैं, वो उनसे मिल भी रहे हैं जहाँ जहाँ अवध बिहारी चौधरी, देखिए कैसे कुछ अधिवक्ता जो है उन्हें बुला करके मिल रहे हैं। तो यही चीज़ है अवध बिहारी चौधरी की, ये अवध बिहारी चौधरी एक पुराने कद्दावर नेता हैं, और तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कचहरी परिसर में है अवध बिहारी चौधरी, लगातार ये तस्वीरें स्वागत में अवध बिहारी चौधरी के स्वागत में तमाम अधिवक्ता देख सकते हैं तस्वीरों में कचहरी की यह तस्वीर है, सिवान के कोर्ट की तस्वीर है ये। तो बिल्कुल कचहरी परिसर है, कोर्ट परिसर, यहाँ पे तमाम अधिवक्ताओं से अवध बिहारी चौधरी मिलते हुए लगातार ये तस्वीर क्या कहेंगे और बिहारी जी के लिए आप लोग भाई घूम रहे हैं, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं। बस सब लोगों से अपील करते हैं कि भारी मतों से जिताइए, जीत तो सुनिश्चित है। लड़ाई क्या लग रहा है किनसे? लड़ाई किसी से लड़ाई नहीं है, बहुत दूरी है, लड़ाई किसी से नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। क्या कहेंगे अवध बिहारी जी क्षेत्र में? हम अवध बिहारी जी के क्षेत्र में हैं, हम लोग भारी मतों से अवध बिहारी जी को जिता रहे हैं, और हम लोग इस बार जो है संविधान बचाने के लिए मुस्लिम अल्पसंख्यक दलित जो है अति पिछड़ा सब अवध बिहारी जी के साथ है। लेकिन से लड़ाई होगी? किसी से लड़ाई नहीं होगी, हम लोग 5 लाख वोट से ऊपर लेंगे। नाम बता? नियाजुद्दीन खान। कहाँ के रहने? लौवान। बड़ा नियाजुद्दीन खान है, लौवान के हैं। आगे आप देख सकते हैं अवध बिहारी की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अवध बिहारी चौधरी तमाम अधिवक्ताओं से जा जाकर और मिल रहे हैं। ये लगातार तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं जो अवध बिहारी चौधरी की तस्वीर है। सिवान के अधिवक्ता संघ भवन में आप पहुंच रहे हैं अवध बिहारी चौधरी, सामने अवध बिहारी चौधरी तमाम अधिवक्ता, लगातार ये तस्वीरें आपके सामने हैं अवध बिहारी चौधरी का जो चुनावी दौरा चल रहा है। सिवान के कोर्ट परिसर में अवध बिहारी चौधरी का चुनावी दौरा चल रहा है।
बिल्कुल आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं औध बिहारी चौधरी का चुनावी दौरा। अधिवक्ता संघ भवन में औध बिहारी चौधरी लगातार, ये तस्वीर सिवान के अधिवक्ता संघ भवन की तस्वीर औध बिहारी चौधरी की, एक एक अधिवक्ताओं से मिल रहे हैं औध बिहारी चौधरी, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अधिवक्ता संघ भवन से। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे अधिवक्ता संघ भवन में आए जो तमाम अधिवक्ता बंधु यहाँ पे बैठे हुए हैं, और औध बिहारी चौधरी एक एक अधिवक्ता से यहाँ पे मिल रहे हैं। बिल्कुल ये तस्वीर आप सिवान के अधिवक्ता संघ भवन की, जहाँ पर तमाम अधिवक्ताओं से मिलते हुए औध बिहारी चौधरी RJD के सिवान से उम्मीदवार हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं औध बिहारी चौधरी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये तस्वीर। हाँ एकदम बिल्कुल साथ हैं, इसलिए कि ऐसे नेता मिलना तो बहुत मुश्किल है ना, इनके लिए बहुत ज़रूरी है, इनका आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनके साथ हैं और सपोर्ट में हम लोग हैं। यस हाँ हाँ हाँ, पूरा अधिवक्ता संघ जो है इनके साथ है। बिल्कुल आपने देखा अधिवक्ता समाज जो है उनका कहना है कि हम लोग औध बिहारी चौधरी का साथ ही देंगे, और ये सब कुछ आप देख सकते हैं औध बिहारी चौधरी जब अधिवक्ता संघ भवन में पहुँचे हैं तो बिल्कुल एक एक अधिवक्ता बंधुओं से मिल रहे हैं, ये जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। तो आप देखिए अधिवक्ता संघ भवन का जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए औध बिहारी चौधरी, और यहाँ पे राजेंद्र बाबू की एक प्रतिमा है अधिवक्ता संघ भवन में, उस पे जाएंगे और माल्यार्पण करेंगे औध बिहारी चौधरी, जैसे कि जो जानकारी मिल रही है उसका, तमाम फिर अधिवक्ताओं से मिलेंगे। सिवान से RJD के उम्मीदवार हैं औध बिहारी चौधरी। लगातार लोग जो हैं इनका जो कि यहाँ पे औध बिहारी चौधरी, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे औध बिहारी चौधरी जो है राजेंद्र बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए चढ़ गए अधिवक्ता संघ भवन में, यह लगी हुई राजेंद्र बाबू की। यह तस्वीर आप देख सकते हैं औध बिहारी चौधरी भारतीय संविधान निर्माता, देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति की जो प्रतिमा है उस पे यहाँ पे माल्यार्पण करते हुए औध बिहारी चौधरी, सिवान के RJD के उम्मीदवार औध बिहारी चौधरी माल्यार्पण करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा, सिवान के जिला अधिवक्ता संघ भवन की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम अधिवक्ताओं से मिलते हुए राजेंद्र बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद फिर से अधिवक्ताओं के बीच जा रहे हैं औध बिहारी चौधरी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं औध बिहारी चौधरी की यह तस्वीर।
लगातार आप देख रहे हैं औध बिहारी चौधरी की यह तस्वीर सिवान के अधिवक्ता संघ भवन से, जहां पर तमाम अधिवक्ताओं से मिले, उसके बाद राजेंद्र बाबू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया, माल्यार्पण किए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आप चौधरी, देखते हैं घनश्याम नाथ तिवारी जो कि बार एसोसिएशन के सचिव भी पहले रह चुके हैं, उनके मिलते हुए उनसे औध बिहारी चौधरी की यह तस्वीर। बिल्कुल मेरी शुभकामना। नहीं, सिवान के एक बहुत ही विवेकशील और सहनशील नेता है, ऐसे लोगों को नेतृत्व करने का अवसर मिलना चाहिए और मेरी शुभकामना इनके साथ, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल आपने देखा औध बिहारी चौधरी पहुंचे हुए थे, घनश्याम नाथ तिवारी जो पूर्व के सचिव हैं उनसे भी यहां पे उन्होंने तमाम अधिवक्ताओं से मिलते हुए औध बिहारी चौधरी की यह तस्वीर सिवान के अधिवक्ता संघ भवन से यह तस्वीर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे औध बिहारी चौधरी आरजेडी के जो सिवान से उम्मीदवार हैं मिलते हुए रामेश्वर कुमार सिंह, बिल्कुल आप देख सकते हैं रामेश्वर सिंह यहाँ पे अधिवक्ता संघ भवन में औध बिहारी चौधरी जी से मुलाकात हुई है। अशोक कुमार सिंह जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो नेता हैं उनके भाई हैं, अशोक कुमार सिंह के भाई हैं, अधिवक्ता हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सिवान के अधिवक्ता संघ भवन से। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक बार फिर से जब औध बिहारी चौधरी निकले हैं तो इनका अधिवक्ता संघ भवन में कैंपेनिंग चल रहा है, एक एक लोगों से जा रहे हैं और मिल रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। औध बिहारी चौधरी सिवान के आरजेडी के एमएलए भी हैं और सिवान से उम्मीदवार इन्हें बनाया गया है, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से इन्हें सपोर्ट सहयोग समर्थन मिल रहा है। सर आप पहुंचे हुए हैं अधिवक्ता संघ भवन में, जो अधिवक्ता हैं किस तरह का सहयोग मिल रहा है, क्या कह रहे हैं? अधिवक्ता जो है सोसाइटी के ये इंटेलेक्चुअल क्लास है और हम जनप्रतिनिधि हैं और चुनाव में हम लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा पुनित कर्तव्य बनता है कि सर्वसाधारण से भी वोट मांगे और अधिवक्ता जो हमारे सिवान के हैं उनसे भी मैं जाकर आशीर्वाद प्राप्त करूं। तो प्रत्येक चुनाव में मैं यहाँ आता हूं और अधिवक्ता जो हम लोगों के इस सिवान कोर्ट में काम करते हैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूं। आई लोग भी जो डिमांड करते हैं सो करते रहे हैं, अभी कुछ महीना डिमांड किए कि 10 लाख रुपया दीजिए हम लोगों को बिल्डिंग बनाने के लिए, घोषणा किया, एस्टिमेट भी होगा, काम लगने वाला है। आगे सर अगर मौका मिला तो क्या कुछ नया करेंगे, कुछ मॉडल बनाएंगे इसे? और ही बना देंगे इससे बढ़िया भी, हाँ मॉडल बना देंगे। चमकेगा आपके एमपी बनने के बाद ये दस हाँ तो अकेले ने दिए हैं, इसके पहले भी दिए थे। वकील साहब क्या कहेंगे? अरे इतने सीनियर मोस्ट लीडर खड़ा हुए हैं यहाँ से, हम लोगों का सौभाग्य है सिवान का कि यहाँ से आ गए हैं, एमपी के प्रतिनिधि बने हैं, जाएंगे तो पार्लियामेंट में सिवान की आवाज बुलंद करेंगे। आप लोग तो भाई पुराने सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या लग रहा है? ठीक है एकदम एकदम, इनका ठीक है, ठीक रहेगा। बताइए क्या कहेंगे वकील साहब? इस बार समर्थन है इनके लिए, और भी लोग आ रहे हैं, वो लोग भी अपने अपने तरीके से भाई जीत के दावे कर रहे हैं। करने दीजिए, जो काम हो रहा है सब लोग देख रहे हैं। इनके द्वारा ये सब कराया गया था औध बिहारी जी के।
बिल्कुल, तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पे अवध बिहारी चौधरी का जो दौरा चल रहा है और इसमें लगातार इन्हें जन समर्थन मिल रहा है, और इसी तरीके से आगे जो है जो कवरेज है चुनावी दौरा जो है वो जारी रहेगी। देखते रहें एटीएन लाइव, हमारे सहयोगी रिशु आतिफ और गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सीवान। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सीवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर एमडी मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एमबीबीएस डीएनबी जनरल सर्जरी दिल्ली लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. प्लस पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र, ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स, ऑल कैंपस सीसीटीवी कैमरास, कंप्यूटर लैब एंड स्मार्ट क्लासेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, म्यूजिक, पेंटिंग, योगा एंड मार्शल आर्ट क्लासेस। जल्द ही नामांकन कराए प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र, ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।